إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.

वह तो मीनू न बिल किताबी कुल्ली और तुम्हारा हाल यह है कि तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो तमाम पैगम्बरों को मानते हो ला न अहदिम मिर रसुल पैगम्बरों में ईमान लाने में किसी में फ़र्क नहीं करते हो तुम्हारे नज़दीक मूस इस्लाम का इंकारी भी वैसा ही काफ़िर रहा है जिस तरह के महमद रसुल्लह का इंकारी सल्ह वसलम तुम्हारे नज़दीक ईसाइबन मरियम का कुफर करने वाला वैसा ही है जिस तरह के कोई शख्स हमारे महबूब सल्लाम की नबूत का इनकार कर दे इसी तरीके से उन पर नाजिल होने वाली वही अगरचे टेम्पर्ड फॉर्म में है तहरीफ शुदा है लेकिन इसके बावजूद ये हमारा अकीदा है कि उन पर जो किताबें नाजिल हुई थी वो अल्लाह की जानब से थी और वो अपने अपने ज़माने में वो हदायत की रोशन निशानियाँ थी अल्लाह की तरफ से जिस तरह के अब कुरान है ओल्ड टेस्टमेंट हो न्यू टेस्टमेंट हो या ये फाइनल टेस्टमेंट कुरान ये सब अल्लाह की तरफ से है तो तुम तो उनकी किताबों को उनके पैगंबरों को भी मानते हो जबकि वो ना तुम्हारी किताब को मानते हैं ना तुम्हारे पैगंबर को वज़ा लकूकम कलू आमन्ना जब तुमसे मिलते हैं ना तो वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं ऐसी कोई बात नहीं आपको गरज फहमी हुई है हम आपके साथ हैं आपने हमारी बात से गलत तासर लिया है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए तो इस तरह की तुम्हें ज़ुबान के ज़रिए वो सेटिस्फेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे वाहौू आलई कुमुल अना मिला मिल जबकि वो अलग जब होते हैं ना तो इतना ग़ुस्सा करते हैं कि अपनी उंगलियां जो हैं अपने दांतों में चबाते हैं ये गुस्से के इजहार के लिए ये चीज़ अरब में इस्तेमाल की जाती थी और ये उस बेबस शख़्स का गुस्सा होता है जो अपना गुस्सा निकाल ना सकता हो जाहिर है कि कामिलईमान मोमिन के सामने ये चंद मुनाफिकीन जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे वो किस तरीके से अहिल ईमान का मुकाबला कर सकते थे अंदर वो कुड़ते रहते थे कि इनको हम डायरेक्टली सामने आके जो है वो कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते और दिल के अंदर नफ़रत भी रखते थे तो इसका एंड रिजल्ट यह है कि वो जब अलग बैठते थे तो उंगलियां यूँ करके चबाते थे गुस्से से कि कभी हमें मौका मिले इनको हम नहीं छोड़ेंगे तो उसका जवाब भी अब तुर्की ब तुर्की दिया जा रहा है कुल मोहतु भी कुमी फरमाओ मर जाओ तुम अपने गुस्से के अंदर क्या जबरदस्त अंदाज है तुम इसी गम और गुस्से के अंदर घुल घुल के मर जाओ इसी हसद की आग के अंदर कि ये पैगंबर जो है वो बनू इस्माइल में क्यों आ गया और बनी इसराइल में क्यों नहीं आया बिदात सदूर बेशक अल्लाह ताला जानता है सीनों में छुपे हुए राजों को भी कोई शख्स सामने जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले लेकिन अल्लाह ताला को यह पता है कि यह एक्टर है या वाकई ये ईमान वाला है इन तमससुम हसन तुम तसुम अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो इन्हें बड़ी बुरी लगती है किसी जंग के मौका पर तुम्हें कोई कामयाबी हासिल हुई तो ये बड़ा कुड़ते हैं पस मंज़र में गजब बदर हो चुकी है ये उसके बाद नाजिल हुई है ये यहूदी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह के नहते मुसलमान काफरों के इतने बड़े लश्कर जर्रार के मुकाबले पर जो हथियारों से लेस था कामयाबी हासिल कर लेंगे उस वक्त ही उनको समझ आना चाहिए था कि अल्लाह की गायबी ताइद है अपने महबूब सल्लाम के साथ वि सही अतुई यू बिहा और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए जो के कि जहरा कि अल्लाह तला ईमान को भी आजमाना होता है तो ये बड़ी खुशियां मनाते हैं तुम्हारे दुश्मनों को कोई फ़ायदा पहुंचे या तुम्हें दुश्मनों से कोई तकलीफ पहुंचे या कोई जैनी टेंशन पहुंचे यह बड़े खुश होते हैं कि इनको तकलीफ आई है व इ तस्बिरू अब तुम्हारी रविश क्या होनी चाहिए कि अगर तुम सबर की रविश इख्तियार करोगे व और अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार करोगे ला या गुर्रकुम कई दुहम शई आ तो कोई चीज भी इनकी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी इनका कोई फरेब कोई मकर कोई चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी अगर तुम सबर करोगे और अल्लाह से डरते रहोगे अल्लाह की गैबी मदद तुम्हारे साथ होगी इन बिमा मुहिद बेशक अल्लाह ताला इहाता किए हुए है जो वो अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला की नजर में है उनके अमाल वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत से बाहर नहीं निकल सकते यहां पर सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ बीस के ऊपर यह टॉपिक कंप्लीट हुआ अब मुसलसल साठ आयात आयत नंबर 121 से लेकर 180 तक मुसलसल छः रुकू साठ आयात वो गजब अहद से मुतालिक है आप ये कह सकते हैं आज की डेट में कि गजब अहद की कमेंट्री है अगरचे ये आयात गजब अहद के बाद नाजिल हुई हैं लेकिन ये आयात गजब अहद में जो मुसलमानों से मिस हैंडलिंग हुई जिसकी वजह से वाज फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई मुसलमानों ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली की वो सारे के सारे मामलों को अल्लाह ताला ने इसमें एड्रेस किया है और मुस्तकबिल का लाए अमल भी बता दिया है क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा था कि मैंने इस मुख्तसर सी जमात से रोमन और पर्शियन अम्पायरस को उलटवाना है अगर ये लोकल इस तरह की जंगों में इस तरह का डिसिप्लिन लूज़ करेंगे तो वक्त की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ ये कैसे टकरा सकते हैं अगर इनका डिसिप्लिन कामिल नहीं होगा तो ये जो सुर इमरान में गजवा अहद की लाइव कमेंट्री किसी और जंग के बारे में इस तरह की कमेंट्री नहीं आई कि तुमने ये किया तुमने ये किया सवाए एक आप कह सकते हैं गज़व तबूक के मौका पर चूँकि वो आपकी की आखिरी जंग थी उसके बाद तो आप वफात पा गए जंग हो नहीं सकी ये जो डिटेल मकाम है और किसी जंग के लिए नहीं आया गजवा बदर का भी हल्का सा जिक्र है सूरतलफाल के अंदर गजब हुनाइन का सूर्य तोबा के अंदर अलफाल के अंदर थोड़ा बहुत जिक्र है गजब अहजाब जिसे हम गजवा खंदक कहते हैं उसका सूरत अहजाब के अंदर जिक्र मौजूद है लेकिन जिस शान के साथ सूर्य आल इमरान में मुसलसल साठ आयात के अंदर जितने सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है उससे आपको यह पता चल जाएगा कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और यह है खुदा का तारुफ कि अल्लाह ताला अपने दीन के गलबे के अतबार से किसी की भी गलती को सरफ नज़र करने के लिए तैयार नहीं है मुआफ़ कर देगा सरफ नजर नहीं करेगा पहले डांट पिलाई तुमने यह किया यह किया यह किया इसलिए तुम्हारे साथ यह हुआ अब एहतियात करना जब तक अब डांट नहीं पिलाएंगे किसी की गलती हाईलाइट नहीं करेंगे वो अपनी इसलाह कैसे कर सकता है मीठी मीठी बातों से तो इसलाह नहीं होती है जब तक गलती हाईलाइट ना की जाए तो इसमें गजब अहद की लाइव कमेंट्री आएगी इस एतबार से गजब ओहद के बाद अल्लाह तला ने कमेंट्री की उसकी वजह यह है कि नबील इस्लाम तो यह बिशारत दे चुके थे कि अल्लाह तला ने इस जंग में भी हमें फतह हमारा मुकद्दर करनी है लेकिन एंड रिजल्ट यह हुआ कि बुरे तरीके से मुसलमानों को शिकस्त हुई अगरचे बीच में फतह हो गई थी तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये नबी ने कोई झूठा वादा तुमसे नहीं किया हमने तो फतह दे दी थी जिस तरह अपने पैगंबर के साथ वादा किया था तुमने जो है गलती की जिसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा और इसमें मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं जो अल्लाह ताला ने मुझ पे शरा सदर किया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम मुसलमानों में मौजूद हों इससे बड़ी तो मुसलमानों की कोई सादत नहीं है ना इसके बावजूद अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह ने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि इनमें अल्लाह का नबी मौजूद है उस गलती का उस नाफरमानी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा हती कि खुद नबी सल्हुसम के भी दांत शहीद हो गए आपकी तो कोई गलती नहीं थी और आज जबकि अल्लाह के, अल्ला के नबी हमें मौजूद नहीं है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलानिया नाफरमानिया करें हमें उन दुआओं का वो हिस्सा भी मुयसर नहीं है जो साहबा को डायरेक्ट मुयसर था आज अगर हम अल्लाह के नबी के खिलाफ चलते हैं तो मुझे बताएं अल्लाह ताला ऐसी की तीस नहीं फेरेगा हमारी जबकि दुनिया में अल्लाह के नबी मौजूद थे और उन कामिल ने अल्लाह के नबी नबीम की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की भी परवाह नहीं की उस फतह को शिकस्त में बदल दिया यह है अल्लाह ताला का रूल जो मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के साथ किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है नबी के साथ रिश्तेदारी आपकी हो सकती है मेरी हो सकती है अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है वो तो लम यलिद वलम लम्हलिद है और वो गनी है बेपरवाह है उसे किसी की कोई परवाह नहीं है यह बड़ा क्रिटिकल इशू है तो यह गजबे ओहद की ये कमेंट्री एक, एक कुरान हकीम में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस वक्त के हालात तो और वाकत को समझने के लिए और फिर इसकी रोशनी में आज के मुसलमानों को भी देखने की जरूरत है कि वो कहां पे खड़े हैं इसका पस मंजर यह है कि आपको पता है कि दो हिजरी के अंदर गजबे बदर हुई थी जो सूरतफ़ाल में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने अपने नबी के साथ वादा किया था कि दो लश्करों में से एक लश्कर तुम्हें मैं दे दूँगा एक अबू सुफियान का लश्कर था जो कि शाम से तजारत करने के बाद मक्के वापस आ रहा था और ज़ाहिर है कि मक्के वालों ने मुसलमानों की जदादें वहाँ पर कब्जा कर ली थी उसके बदले में मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि अब इनका माल भी तुम लूट सकते हो बदले के तौर पर पैसास इसलिए मुसलमान जो हैं वो जब एक नहते लश्कर को लूटने के लिए घर से निकले तो ज़ाहिर है जिसके हाथ में कोई डंडा था कोई किसी के हाथ में कोई छड़ी थी वो ले के निकला तलवारों से तो निकले नहीं थे क्योंकि वो लश्कर तो एक तजारती काफ़िला था जिसके अंदर तलवारें वग़ैरह तो नहीं होती थी लेकिन रास्ते में अल्लाह तला ने फ़ैसला कर दिया कि भई ये तो हम अब तुम्हें जो है वो कहीं और तुम्हारी टक्कर करवाएंगे और हक़ का हक़ होना ज़ाहिर करेंगे अबू सुफियान को ये जब बात पता चल गई कि इस तरह मुसलमान हमारे लश्कर को लूट सकते हैं तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और पैरल में उसने एक भिजवा दिया मक्का शरीफ़ के तुम्हारे तजारती काफ़िले को ख़तरा है क्योंकि सारी रोज़ी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी उनकी वो सारे अपना जो सामान देते थे वो बेच के शाम में और उससे वो पैसे या उसके बॉटर सिस्टम था उसके मुतबाद और चीज़ें लेके आते थे तो उन्होंने अपने काफ़ले के बचाव के लिए पूरी तैयारी करके एक हज़ार का लश्कर कील कांटे से लेस असले से लेस ले आए और यहाँ मुसलमान नहाते थे अब मुसलमानों के सामने आफ़र थी कुरान ने कहा कि तुम्हारा तो दिल था कि तुम तजारती काफ़िले को लूटते लेकिन अल्लाह ताला इन 313 सौ तेरह नहाते मुसलमानों को टकरवाना चाहता था उन एक हज़ार असर से लेस लोगों के साथ ताकि अल्लाह ताला इसे यौल फ़ुरक़ान हक और बातिल की जीत का जो फ़र्क है जो हक और बातिल का फैसला कर दे कि हक जो है वो उसकी जीत है और बातिल की शिकस्त है ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही इतने गए गुजरे थे कि वो बेचारे एक तलवार भी घर से नहीं ला सकते थे ये जो हमारा प्रेजेंट किया जाता है ना कि वो शायद को बहुत गरीब थे वो पीछे रीज़न ये थी कि वो तलवारें उनके पास नहीं थी क्योंकि वो इस निये से तो गए नहीं थे तो गैबी मदद आई और अल्लाह तला ने फरिश्तों के ज़रिए उनके लश्कर को मिल मेट किया अब इस चीज़ का गु़स्सा उनके अंदर मौजूद था क्योंकि अरब के लोग इतने जंग और क्रैश के लोग जंग और फिर उनकी एक इज़्ज़त पूरे अरब में उनका काफ़िला कोई लूटता नहीं था कि ये काबे के मुतवली हैं गद्दी नशीन हैं खानका नशीन हैं और मुख्तलिफ कबाइल के बुत भी खान क़ाबे में रखे होते थे उनको ये भी डर होता था कि अगर हमने इनका काफ़िला लूटा तो ये हमारे बुत उठा के हमारे खुदाओं को बुज़ुर्गान दीन को उठा के बाहर फेंक देंगे तो हमारे बुज़ुर्गों की ये तोहन कर देंगे तो वो इस डर से काफ़िले नहीं थे कुरेश के लूटे जाते यानी ये शाही ख़ानदान था पूरे अरब के अंदर अब उस शाही खानदान की इस तरह मिट्टी पलीद हो न थे मुसलमानों के हाथों जो खुद भी कुरेश में से थे मुसलमान भी जारे कुरेश में से थे महाजरीन तो उस शिकस्त का बदला वो लेना चाहते थे सत्तर बड़े बड़े सरदार उनके कत्ल हो गए थे जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू अबूजाल भी मारा गया था बदर के अंदर मक्के का कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें कोई मैयत ना हो एक साल उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमने ये बदला उतारना है तीन हिजरी में फिर वो बदला उतारने के लिए पूरी तैयारी के साथ तीन हजार का लश्कर लेके आए वो और इस दफा वो आते हुए औरतों और बच्चों को भी साथ लेके आए कि अगर हम भागने लगे तो हमें इस चीज का डर होगा कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें मुसलमानों के हाथ लग जाएंगी तो हमें इस गैरत की वजह से जान तो हम दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और इस दफ़ा इनके लश्कर में हज़रत खालिद अबिन वलीद भी शामिल थे जो गजब बदर में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि अबू जाल ने उन्हें पीछे मक्के के अंदर सरदार के नायब के तौर पर छोड़ा था और अबू जाल चूँकि अब मारा जा चुका था इस दफ़ा लश्कर की सरबराही जो है अबू सुफियान के ज़िम्मे आई अब ये अल्लाह का करना है कि बाद में हज़रत अबू सफियान ने भी हज़रत खालिद अबिन वलीद ने भी दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया रदील्लामसम तो लेकिन उस वक्त तक ज़ार के इस्लाम दुश्मनी उनमें मौजूद थी बल्कि बदर के अंदर ही सिर्फ़ अबू आया, बाकी जितने जंगें मशरकिन अरब के साथ मुसलमानों की हुई हैं एक गजब हुनैन को छोड़ दें आप बाकी सब में लीडर जो है वो कुफ़ार की तरफ से अबू सुफियान ही था चाहे वह उहद हो चाहे खंदक हो या सुलहुदेबिया वाला इशू हो तो अब वो बदला लेने के लिए आ रहे थे अब मुसलमानों में यहाँ पे मशवरा शुरू हो गया अब नबी अलैहि वसम की जाती ख्वाहिश यही थी कि हमें मदीने के अंदर रह के ना मदीने का दिफा करना चाहिए जिस तरह के बाद में गजब खंदा के मौका पर किया चूँकि मिसाँ मदीना भी यहूदियों से हुआ था तो हमें एक अददी बरतरी भी हासिल हो जाएगी कि मदीने पर अगर मुशरकिन अरब ने हमला किया तो यहूदी भी हमारे साथ मिल हमारा साथ देंगे क्योंकि वो माहे के अंदर तो बने हुए थे और अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें ये मदद हासिल नहीं होगी लेकिन जो लोग गज़े बदर के बाद अंसार मदीना नौजवान लड़के मुसलमान हुए थे वो तो अभी उस शहादत के जज्बे के साथ सरशार थे वो कहते हैं जी हमने क्यों अंदर रहना है हमने तो बाहर निकल के लड़ेंगे ऐसी की तहसीन काफरों की हम तो जान देने के लिए तैयार हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत राय की वजह से यही फ़ैसला किया कि ठीक है अब अगर ये अक्सरीत का ही फैसला है तो ठीक है मैं इसी को मानता हूं इस्लाम में यानी इस एतबार से हलाल के दायरे में तो जमहूरीत ही देखी जाएगी हलाल के दायरे में हराम के मामले में देखा जाएगा अल्लाह का हुक्म क्या है तो अब ये दोनों हलाल थे या मक्के के मदीने के अंदर है कि दिफा करते या बाहर तो अब अक्सरीत की राय थी बाहर तो आपने फरमाया ठीक है बहरल ये अब पहला मौका था कि नबील इस्लाम अपने घर से जीरा पहन के निकले तो इन साहबा को ही पता चल गया कि ये मामला कोई ज़्यादा सख्त होने वाला है आपने इन खुद भी पहना वो जो सर पे वो लोहे की टोपी पहनी जाती है और फिर नबी इस्लाम को सही बुखारी में आता है ख्वाब भी दिखा दिया गया था कि आपके सामने एक गाय जबह हो रही है जिसका काफ़ी ज़्यादा खून निकला है तो आप को ये पता चल गया था कि मेरे काफ़ी सारे सहाब इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह की तकदीर को तो कोई नहीं टाल सकता ना तो नबी इलाम बाहर निकले अब आप बाहर जो है मोर्चों में मुख्तलि जगह पर मुख्त लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे थे तो अब यहाँ से ये वो उस वाक़े का आगाज़ सुर आलमरान की आयत नंबर वन टवेंटी वन से होगा कि आप मोर्चों के ऊपर ड्यूटी लगा रहे थे कि फ़लाने इस जगह रहना है फ़लाने इस जगह रहना है और इस तरीके से इस मामले को ले चलना है सही बुखारी में डिटेल आती है कुरान में भी उसका जिक्र आ जाएगा आगे चल के कि एक क्रिटिकल दर्रा था पहाड़ी चोटी थी जिसके ऊपर आपने पचास तीर अंदाज जो है ना वो मुकर कर दिए जिनके सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर और सही बुखारी में आता है नबी इस्लाम ने उन पचास लोगों को ये वसीयत की थी कि तुम अगर ये देखो कि चील कवे भी हमारी लाशों की बोटियां उठा के लेके जा रहे हैं तब भी तुमने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ अब इससे ज़्यादा तो कोई नहीं समझा सकता ना किसी को कि जो मर्जी हो जाए तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना आखिरी यही हो सकता था ना कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती और मुसलमानों की मदद के लिए वो दर्रा छोड़ते आप फिर मैं तुमने तब भी नहीं छोड़ना लेकिन वही हुआ कि जब जंग में मुसलमानों का पड़ा भारी हुआ तो काफिर मैदान जंग छोड़ के भाग गए और मुसलमान जो है वो उनका पीछा करना शुरू हो गया मालेगणी में जमा होना शुरू हो गया कुरान में भी इसका जिक्र आएगा बुखारी में डिटेल के साथ मौजूद है तो वो जो पचास तीन अंदाज थे ना उन्होंने वो पहाड़ी जो चोटी थी वो आज भी आप गजबा उहद के शहदा का जो कब्रस्तान है उसके पास वो आज भी दर्रा मौजूद है वो पहाड़ी चोटी जो है छोटी सी उस पर मैं ख़ुद भी चढ़ा हूँ आप चढ़ सकते हैं इतनी ऊँची नहीं है वो उन्होंने छोड़ दिया अगरचे जो उनके लीडर थे अब्दुल्ला अब जुबैर वो चीखते रहे कि अल्लाह के नबी ने मना किया था सिर्फ़ पंद्रह बंदे उसके साथ रहे बाकी पैंतीस लोग जो है मालिक नहीं जमा करना शुरू हो गए और उन्होंने ये इजतहाद किया कि ये जो हजू ने फरमाया था तो उस सूरत में था जब मुसलमानों को शिकस्त होती है। अब तो हमें फतेह हो गई है यानी अपनी तरफ से इज्तहा कर लिया हालांकि हजूर ने फरमाया था मेरे हुक्म का इंतजार करना है इससे पता चला कि इजतहाद अगर साहबा भी करें और वो किताबों सुनों से टकराए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है तो बाबे अपने बोझे संभाल के रखो तो बुजुर्ग भी बोझे संभाल के रखो अपने अच्छा अब वही हुआ खालिद इबन वलीद की उकाबी नजरों ने यह देख लिया चूंकि वो थे कैवलरी के सरदार यानी एक तो पैदल फौज होती है ना एक घोड़ों वाली फौज वो थे घोड़ों वाली फौज के ऊपर और यहां से ये सारे इनकी फौज जब भागे जा रही थी कि भाई हम तो शिकस्त खा गए उन्होंने जब देखा ना कि उसने दर्रा छोड़ दिया है और उनको ये पता था कि इस पहाड़ी के पिछली साइड के ऊपर रास्ता है पीछे से लाके हम इन पर हमला करें तो मुसलमानों की फौज को हम सैंडविच बना देंगे पीछे इस तरफ से कैवलरी का हमला हो जाएगा यानी घोड़ों के ऊपर इधर से ऑलरेडी हमारी फौज मौजूद है जो भाग रही है तो इनको हम जो है ना वो दोनों फौजों के दरम्यान इनको पीस देंगे बस वही हुआ खालिब वलीद ने आके ना उस पहाड़ी के पीछे से हमला किया अब जाहिर है कि मुसलमान तो अभी वो वो, वो तो समान समेट रहे थे काफरों का मालिक गनीमत वो तो रेडी भी नहीं थे पीछे से हमला हो गया और इसमें ऐसी बगदड़ मची कि सही बुखारी में आता है कि बाद सहाबा भी साहबा के हाथों कतल हो गए उस जिसमें फ्रेंडली फायरिंग के अंदर जिसमें हजरत बिन अब्दुल्ला के वालिद भी शहीद हो गए थे उनको मुसलमानों ने ही मार दिया ऐसी भगदड़ मची और इसका इफेक्ट हुआ कि हजरत हमजा भी शहीद हो गए जो कि आर्मी चीफ थे मुसलमानों के फिर उनकी लाश का मसला किया गया हिंद जो अब सुफियान की बीवी थी चूके गदर में अबू सुफियान कि बीवी का भाई और उसका बाप रतबा बिन रबिया और भाई उसका वलीद बिन उतबा ये सब लोग और चचा ये सब लोग मरे हुए थे ये सब कुछ जनाब उमर सीरीज के अंदर उन्होंने फिल्माया है आपको जनाब वो गजबे ओहद के मौके पे उन्होंने पहुंचा दिया उर्दू डबिंग के साथ भी हमारी वेबसाइट अल के ऊपर रखी हुई है आप डाउनलोड करके उसे जरूर देखें तो उसने वो कलेजा चबाया और मुसला किया लाश का और मुसलमानों का जारा एक तकलीफ पहुंची मदीने का कोई घर नहीं था जिसमें कोई मैयत ना हो इतने मुसलमान शहीद हो गए अनसार मदीना मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए कि जी किधर बदर की कामयाबी और किधर वह के अंदर इतनी शिकस्त कि सबसे से बढ़ कर के अल्लाह के नबीआई इस्लाम की भी शहादत की खबर मशहूर हो गई कुरान में उसका भी जिक्र आएगा हती कि कई साहबों ने तलवारें फेंक दी कि अब तो हज़ूरी फ़ौत हो गए अब हमने किसके लिए लड़ना है तो अल्लाह ने फरमाया कि भाई नबी तो पहले भी गुजरे हैं अगर नबीलाम फ़ौत हो जाएँ या जंग में कत्ल कर दिए जाएँ तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला तो ज़िंदा है और उसके दीन को लेके चलना है अल्लाह ताला का दीन नबियों का मोहताज तो नहीं है नबी तो आए और चले गए दीन तो हमेशा रहना है। तो नबी नबीम के चार मुबारक मुबारकदान ये शहीद हो गए क्योंकि आप पे ऐसा हमला हुआ कि वो आपका अपना जो खौद ऊपर वो लोहे की टोपी पहनी थी उसके किंगरे जो है ना यूँ अंदर गाल से अंदर चले गए ये दाँत टूट गए और इतना खून बहा कि साहबा को लगा कि भाई हज़ू तो फौत हो गए फिर बुहारी मुस्लिम में आता है कि हज़रत अली और हज़रत ने नेज़ूर का ज़ख़म धोया और हज़रत अली ढाल को उल्टा करके उसमें पानी लेकर आए हज़रत फातमा ने जखम धोया फिर हज़र फातमा ने सलामल जब ख़ून नहीं रुकता था तो उन्होंने एक कपड़ा जला के कॉटन का उसकी राख रखी उससे खून रुका फिर आस्ता आस्ता यानी मामला सीधे हुए इसी दौरान हज़रतलह जो वो अपने हाथों के ऊपर वो तीर रोकते रहे जो नबीम की तरफ आ रहे थे उनके हाथ जो है वो एक शल हो गया पूरी ज़िंदगी उनका एक हाथ यानी उनका नहीं था उसी में ही हुआ और जन्नत कमा ली उन्होंने इसी तरीके से कई अंसारी सहाबा जो हैं वो हज़ूर को बचाते बचाते शहीद हो गए यके बाद दिखरे और फिर इसी दौरान इस्लाम ने और चांद साहब ने जो आपके साथ थे हज़रत उस्मान तो नहीं थे हज़रत उस्मान तो उस भगदड़ में जो है वो फितने का शिकार हो गए फितना पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला आजमाइश का हज़रत अबूबकर उमर और अली और बाकी चंद सीनियर साहबा बारह के करीब जो थे हज़ूर के साथ थे तो फिर आप पहाड़ की तरफ चढ़ गए और उधर खालिद वलीद तो कहने लगा कि भाई अब काम इनका ख़त्म ही कर जाए ताकि मसला ख़त्म हो जाए अबूसुफियान ने कहा कि नहीं ये पहाड़ के ऊपर है हम अगर इनका पीछा करेंगे ये ऊपर से सिर्फ पत्थर भी मारना शुरू करें तो हमें नुकसान हो सकता है हमने बदला लेना था ले लिया तो फिर वो वापस चले गए फिर हज़ू इस्लाम ने सही बुखारी में आता है बाज़ साहब को पीछे भेजा कि तुमने जाके अब इनका ताक़ुब करना है ऐसा ना हो ये फिर पलट के वापस आ जाए तो और ये भी एक बहादरी की लामत थी फिर वो पीछा करने वाले साहब में बड़े बड़े साहब हज़रत अली और बाकी लोग थे जो पीछे तक गए उनके लिए भी कुरान में फिर अल्लाह तला की तरफ से आया कि ये लोग थे जिन्होंने हज़ू का साथ दिया और काफरों पर रोब डाल दिया फिर वो वापस मुड़ के उन्होंने देखा नहीं है और बहरअल इसमें कई गलतियाँ हुईं जिसका खुमियाजा फिर मुसलमानों को भुगतना पड़ा हती कि जो हज़ूर इस्लाम के दांत शहीद हुए उस वक्त आप की मुबारक ज़ुबान से भी एक बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत दे सकता है जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया तो अल्लाह तला ने सबसे पहले जब गिरफ्त फरमाई तो अपने महबूब के ऊपर फरमाई लई सला का मिनल अम्रशी ए नबी आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी मामले में अल्लाह चाहे तो इनको माफ़ भी कर दे और वही खालद उबन वलीद जिसकी वजह से हज़ूर के दाँ शहीद हुए उसी मुबारक जुबान से खालिदन वलीद के लिए सैफुल्ला का लकब मिला और वो मुसलमान भी हो गए तो ये सारा मैंने एक ब्लू प्रिंट आपके सामने रख दिया है अब आप ये आयात हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जितनी बातें बताई आलमोस्ट इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है बहल इसमें एक बहुत बड़ा और वाक्य भी हुआ था कि अब्दुल्लाबन उबई जो मुनाफिक था वो अपने साथ लश्कर लेके अलग हो गया बीच में से मुसलमान यानी जो उनमें से आप समझ लें कि उनकी एक एतबार से कमरी टूट गई ठीक है कि वो अपने लोगों को लेके साइड पे हो गया ठीक है तो उनका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इशारा तन इसमें किया है उन मुनाफिक का जिन्होंने मुसलमान की जमीयत मुसलमानों की जमीत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की बहर अल्लाह तला ने मुसलमानों को ओवरऑल एक फ़तः दी और इस एतबार से कि अपना वादा पूरा किया लेकिन बाद में अपनी ग़लती की वजह से उनको एक आजमाश से भी गुज़रना पड़ा तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुसलमानों की दिलजोई भी करता ग़लती को हाई करता लेकिन ज़ाहिर के तमाम दिल दुखे हुए थे और ज़ाहिर के जिन लोगों ने बदर की फतह देखी थी अहद की शिकस्त से कई लोगों के ईमान भी मुतजल हो गए होंगे तो इस एतबार से जरूरी था कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता तो अब्दुल्ला बिन ओबई का वो जो तीन सौ का लश्कर लेके लादा हुआ था उसका जिक्र भी इसके अंदर मौजूद है पीछे फिर सात सौ के करीब मुसलमान रह गए अब ये जनाब वो स्टार्ट हो रही हैं आयात सुर इमरान आयत नंबर वन ट्वेंटी वन व من أهلك अहली المؤمنين مقاعد المقاعد للقتال. और महबूब याद करो वह वक्त जब सुबह के वक्त आप रुखसत हुए अपने घर से और आपके साहब भी मैदान अहद के लिए और आप मोर्चों पर जंग के लिए सहाबा की ड्यूटियां लगा रहे थे यानी वो अब मैदान जंग की तैयारी है और नबीलाम लोगों की ड्यूटियाँ असाइन कर रहे हैं तुमने यहाँ रहना है तुमने यहाँ रहना है वल्लाहु समी और नलीम और अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है यानी ये जो कुछ हो रहा था अल्लाह के सामने हो रहा था अल्लाह गाफिल नहीं था अल्लाह अपने महबूब और उनके जानसार साहबा की इस कुरबानी को देख रहा था हम पोफानी तो मिन कुम तफशला जबकि इरादा किया तुम में से दो जमातों ने कि वह बुजदिली दिखाएं दो कबीले थे अंसार के बनु सलमा और बनु हारसा अनसार मदीना के थे जब अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने तीन सौ साथी लेके साइड पे हो गया तो इनके भी पाँव लड़खड़ा गए कि यार हमें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए जाहिर है जान तो सबको अजीज है तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया वल्लाहु युमा और अल्लाह उनका मददगार था पुष्पना था व आय अल्ला फल तोनून और अल्लाह ही पर तोल करना चाहिए अल ईमान को सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है कि जाब बिन जाब्दुल्ला ये आयात पढ़ा करते थे और ये आयत नंबर एक सौ बाईस सुर आमरान की और कहा करते थे ये हमारे अनसार के दो कबीलों का जिक्र हुआ है बनु सलमा और बनु हारसा का और वो कहते हैं मुझे ये जिक्र पसंद है अगरचे इसमें हमारा ऐब बयान हुआ है कि हमने बुजदली दिखाई और फिर अल्लाह ने हमें मजबूत किया लेकिन कहते हैं इसमें जो अल्लाह ने फरमा दिया ना वल्लाहु हमा अल्लाह उन दोनों का पुशपना था उन दोनों कबीलों का तो ये अल्लाह की पुषपनाई हमारे पीछे होना ये इतनी महबूब है कि हम अपनी उस बुजदली को भूल जाते हैं हमें खुशी महसूस होती है कि अल्लाह हमारा पुषपना तो वो फखरिया तौर पर बताया करते थे कि ये हमारे कबीले और बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा चुका है इससे पहले गजब बदर के मौका पर जबकि तुम बड़े कमजोर थे ये अजिल्ला अरबी का लफ्ज है ये पंजाबी वाला या उर्दू वाला जलील नहीं है इससे मुराद है कमज़ोर फतकुम तश्कर पस डरते रहा करो अल्लाह से ताकि तुम उसका शिक्र अदा कर सको

क्या तुम्हें यह काफी नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा तीन हज़ार फरिश्तों के जरिए अच्छा बाज लोगों का यह ख्याल है कि यह जो फरिश्तों की मदद का जिक्र यहां पर आ रहा है इससे मुराद गजवे बदर है और बाज़ मुफसरीन कहते हैं नहीं ये गजब ओहद का ही जिक्र है मेरा भी ख्याल यही है कि गजब ओहद की तरफ ही इसमें इशारा है चूंकि तीन हजार का लश्कर आया था काफरों की तरफ से और मुसलमान थे एक हज़ार उसमें से भी तीन सौ निकल गए अब्दुल अबिन के साथ सात सौ पीछे बच गए तो तीन हजार के मुकाबले पर अल्लाह ने अपने नबी के साथ मदद की कि जी मैं तीन हजार फरिश्ते नाजिल फरमाऊंगा अहल ईमान को खुशखबरी सुना दो बला इन तस्मिर क्यों नहीं अगर तुम सबर करोगे वह तक और तकवे की रविश इख्तियार करोगे वो कुम मिलफोरी हाद युम दिद कुम रब बेखम सतिन आलाफिमला इकती मुसविमीन अगर तुम सबर करो और तकवे की रविश इख्तियार करो तो कुफार पर तेज़ी से उसी वक्त फौरी ये फौरी का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये अरबी का लफ्ज है फौरहिम फ़ौर अल्लाह ताला मदद फरमाएगा तुम्हारी पांच हज़ार फरिश्तों के ज़रिए से जो निशान वाले होंगे वो निशान ज़्यादा घोड़े जिस तरह अरब के अंदर एक बड़े समझे जाते थे ना कि ये ताकतवर घोड़े और जिनमें बड़े जमा मर्द बैठे होते थे तो उसकी मिसाल अल्लाह तला ने दी है लेकिन मुझे बताएं कि ये तीन हजार पांच हजार फरिश्ते भाई इंसानों को लटने के लिए तो एक फरिश्ता भी बहुत है तो ये सिर्फ मुसलमानों की तसली के लिए था कि भाई अगर तुम सात सौ रह गए हो ना और तीन सौ ने छोड़ दिया है तुम्हारा साथ और सामने तीन हजार है था, तो तीन हजार फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे यानी इंसान बहरल इंसान ही है कि चलो उनके मुकाबले में तुम्हारी नफरी पूरी हो जाएगी काउंटिंग पूरी हो जाएगी और इसी बात का अल्लाह ने जिक्र कर दिया वमा जाल बुशरा और ये फरिश्ते जो उतारने वाली बिशारत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है ये इसलिए ताकि तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाए इसके ऊपर वमन ना बिन इन दिल्ला आजीज अल हकीम और मदद तो नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से जो गालिब है और हमत वाला है अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है वो तो कन फून की शान रखता है के वो फरिश्ते भेजें वो तो एक फरिश्ता भी ना भेजे तब भी उसके एक इशारे से पलट सकती है गजब के मौका पर सर्द अल्लाह ने चला दी अल्लाह के लिए कोई मसला एक हवा चला दे तो सब कुछ ही उलट के रख दे मदद इसलिए थी कि ताकि काट दे एक हिस्सा काफरों से या जरील कर दे इनको पस वो नाकाम और ना मुराद होकर लौट जाए अब जनाब पहली गिरफ्त नबीसलाम के ऊपर अल्लाह की तरफ से का मिनल आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी के मामले का अल्लाह चाहे तो इनकी तोबा कबूल कर ले या इन्हें अजाब दे ालिम तो ये हैं ही है वल्ला ही माफ समावा मा फिलद और आसमान और जमीन की बादशाही तो अल्लाह की है यग फिर मै शाहबै शाह वो जिसे चाहे बख्श दे जिसे चाहे अजाब दे गिरफ्त फरमा ले वह वफूर रहीम और अल्लाह तला बख्शने वाला मेहरबान है ये वही बात आ गई लई सलिन लई सल कमिनई आप को भी कोई इख्तियार नहीं है यह उसी तरफ इशारा है जो बुखारी और मुस्लिम में इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम बुखारी वो हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम के, के, के दांत शहीद हुए तो आपकी मुबारक ज़ुबान से ये बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को हदायत कैसे देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया तो अल्लाह ने फरमाया ये बात आपने नहीं करनी और अल्लाह चाहे तो उनको हदायत भी दे सकता है और देख लें वही खालिद अबिन वलीद जिसकी वजह से नबी इस्लाम के दांत शहीद हुए मुसलमानों की फ़तः शिक्स में बदल गई उसी को अल्लाह तला ने दोबारा ना सिर्फ इस्लाम की दौलत से मालामाल किया बल्कि वो उस पेगन को यानी एक बाई बर्थ मुशरक को ऐसा ईमान दिया कि उसके जरिए फिर रोमन और पर्शियन अम्पायर तक उलटवा दी जंग कादस्य और यरमूक, और इससे पहले जो छोटी बैटल फील्ड्स हैं उनके अंदर आप उनकी ज़रा यरमूक तो यानी आप समझ लें दिन ही हज़रत खालदन वलीद का था कादसिया में वो शामिल नहीं थे लेकिन उससे पहले जो इराक़ फतह हुआ है हीरा शहर फ़ता हुआ है आधा जो पर्शियन अम्पायर तो वो हज़रत खालिद ने अबरीद ने गिराई थी फिर चूँकि हज़रत अबू बकर की तरफ से उनको खाता आया था कि आपने रोमन अम्पायर की तरफ जाना है और अबू अबूबैदा ने जरा इसी दौरान हज़रत अबू बकर फ़ौत हुए तो हज़रतमर ने इनको हटा के हज़रत अबूबैदा को लगाया और ये बार उनके साथ असटेंट के तौर पर थे तो ये अल्लाह की जनाब कुदरत है जिसे उठा के जहाँ से मर्जी उठा के जहाँ मर्जी फ़ायज़ कर दे तो हजर खालिदन वलीद की पूरी ज़िंदगी जो है वो इस अतबार से कुर्बानियों से इबारत है मेरा हजर खालिदन वलीद पर क्लिप भी है डिटेल लाखों लोगों ने यूट्यूब पर देखा है हज़रत खालिदन वलीद सैफुल्लह आप लिखे तो वो क्लिप खुल जाएगा आज टॉपिक नहीं है मैं इसको यहाँ पर स्किप करता हूँ या यूहदीना आ मनु लाता रिबा अदाफ़म फा अब अचानक एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है सूद के हवाले से सूद के पीछे जो है ना सूदी जहनीत होती है माल के जरिए माल कमाने की एक है कारोबार के माल के जरिए कारोबार करें और उससे माल कमाएँ वो बिल्कुल हलाल है उसमें किसी का अहतसाल नहीं होता बल्कि कई लोगों की रोज़ी रोटी खुल जाती है लेकिन दूसरा एहतसाली निज़ाम यह है कि आप कारोबार की मशक्क़त उठाए ना बल्कि गरीब लोगों को आप उधार दे दें सूद के ऊपर माल और फिर घर बैठे हुए उसमें से खाना शुरू करते हैं यह है जो अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर करने वाला निज़ाम है और ये है हराम सूरत बकरा की आयत नंबर टू सेवेंटी नाइन इसका क्लाइमेक्स है जो हम कवर कर चुके हैं उसमें मैंने डिटेल सूद के ऊपर गुफ्तु की थी जिसे शौक़ है तो वो कुरान ग्लास वो वाली देखे उसमें तो अल्लाह तौ फरमाया था कि जो लोग इस वाज तमबीह के बावजूद भी सूदी काम नहीं छोड़ेंगे तो तैयार हो जाए अल्लाह और उसके रसूल का एलान जंग है उन लोगों के ख़िलाफ़ तो यहाँ पर भी चूँकि दुनिया की माल की मोहब्बत की वजह से वाज फ़तः शिक्स में बदल गई माल गनीमत जमा करने की वजह से तो बेसिकली ये उसकी तमहीद बांधी जा रही है कि ये जो माल की महब्बत है जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सूदी सिस्टम है ये इंसान को फिर यही दिन दिखाता है वक् और डर जाओ अल्लाह से सेफली खून ताकि तुम फला पाओ ऐ ईमान वालो ना खाओ सूद दुगना चुगना करके और डर जाओ अल्लाह से ताकि तुम फला पा जाओ वह तक नार्लाफरी और डर जाओ उस आग से जो कि तैयार रखी गई है काफिरों के लिए काफिर से मुराद ये नहीं कि गैर मुस्लिम जो भी अल्लाह की ना शुक्री करेगा ना फरमानी करेगा काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को वह वा अकीह रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की इतात इख्तियार करो तो ताकि तुम पर रहम किया जाए क्या जबरदस्त आयत है अल्लाह और उसके रसूल की जो इतात करेगा उस पर रहम होगा और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उस पर रहम नहीं होगा सिंपल फार्मूला वारी और दोड़ो लपको मगफिरत अपने रब की तरफ से और जन्नत की तरफ जन्नत इन वल वर्द ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के फासले के बराबर है ओद्दतम जो तैयार की गई है अल्लाह से डर जाने वालों के लिए अल्लाह से परहेजगारी वाला रिश्ता रखने वालों के लिए खौफ रखने वालों के लिए खशियत रखने वालों के लिए और उनकी निशानी भी बता दी क्या है अल्लादीनफिक रॉकबर रॉ ये परहेजगार लोग वो होंगे कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं चाहे उन पर खुशहाली हो या तंगदस्ती हो और खर्च करना सिर्फ माल का खर्च करना नहीं होता जान माल एफर्ट पुट करना हर लिहाज से वो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार होते हैं वलका जमीन और वो गुस्से पे जब्त पाने वाले होते हैं वला आफीन और लोगों से दरगुजर की रविश इख्तियार करते हैं तो ज़ाहिर ये लोगों से दरगुजर की रविश और लोगों को मुआफ़ी की रविश कौन इख्तियार कर सकता है जो सब्र करने वाला होगा इसीलिए तो कहा गया कि इन अल्लाह मबरीन बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है महसिन के साथ एहसान की रविश इख्तियार करने वालों के साथ अल्लाजान आमीन यानी एहसान की रविश इख्तियार करने वाले नेकोकार दरअसल वो लोग हैं जिनके अंदर ये खूबी पाई जाएगी कि वो चाहे खुशहाल हों या तंग दस्त हर मामले में अल्लाह ताला के दीन की मदद के लिए खड़े होंगे जान माल इज्जत आबरू की कुर्बानी देंगे और लोगों से मुआफ़ी वाली रविश इख्तियार करेंगे और गुस्से को पी जाने वाले होंगे اذا فعلوا दीना और उनकी निशानी यह है कि अगर वो कहीं पर कोई बेहयाई का काम कर बैठे या अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे यानी कोई गुना उनसे सरजद हो जाए जकर फरूली जुनूब हिम तो वह फौरन अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार होते हैं जब कभी ग़लती हो कभी गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह की तरफ रुझू लाते हैं वो सूर्य हूद के एंड पे भी जा के आएगा ना कि गुनाह जब इंसान से हो जाता है तो उसके बाद जब इंसान नेकियां करता है तो वो गुनाहों को मिटा देती है तो अल्लाह के नेक बंदों की निशानी यहाँ पे आई कि अगर उनसे बात बशरीत कोई गुना सरज़द हो जाए तो वो अल्लाह की तरफ़ रुजू लाते हैं ना सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं बल्कि अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार भी होते हैं अल्लाह का जिक्र भी करते हैं जिक्र करने की बरक़त से चूँकि जिक्र नेकी है इसकी वजह से उनका वो गुनाह धुलता है और फिर अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगते हैं तो यहाँ मुआफ़ी का तरीका भी बताया गया कि सिर्फ अस्तवर पढ़ने से मुआफ़ी नहीं होगी बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू लाने के साथ अल्लाह का जिक्र भी करेंगे और फिर तोह भी ऐसी होनी चाहिए कि आगे को नसीहत बने ये नहीं है कि अगले गुनाह की उम्मीद के ऊपर तोबा कर लीजिए कि अभी तोबा कर ले तो फिर मैं गुनाह करूंगा ऐसा नहीं वही फिर जुलूब अल्लाह और कौन बख्शेगा अल्लाह के सिवा गुनाहों को ज़ाहिर अल्लाह की तरफ रुझू आना है जैसे आप इसकी मिसाल दुनियावी एतबार से देख सकते हैं कि छोटे बच्चे को जब माँ मारती है ना तो वो भाग्य माँ की गोद में ही पना ले रहा होता है ये बहुत छोटे बच्चे ये जो जो बड़े हो जाते हैं तो बहुत शरारती हो जाते हैं ना वो तो फ़ौरन दादी दादा के पास चले जाते हैं जब उनको उनकी माँ मारती है तो वो दादी दादा के पास जाते हैं लेकिन जो बहुत छोटा बच्चा है ना आप देखें उसको मारे भी ना तो वो फिर गोद में ही घुसता है माँ की तो अल्लाह तला मारे कि अल्लाह के, अल्ला के सिवा फिर बख्शेगा भी कौन बख्शना भी तो अल्लाह ही ने है और अल्लाह की नाफरमानी की है तो आपने अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी की है ना अल्लाह के मामले में कोताही की है ना और वो अपने किए हुए जुर्म के ऊपर इसरार नहीं करते अपने गुना की जस्टिफिकेशन नहीं देते यही आदम में और शैतान में फ़र्क है आप देखें आदम ने अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांग ली थी रबा ना वलम ना अलफुसना विलम तकफी व तरह और शैतान ने क्या कहा था कि मैं इसे अफजल हूँ तूने इसे जो है वो मट्टी से पैदा किया है मुझे आग से और उसने अपनी गलती की जस्टिफिकेशन दी थी जबकि आदम सलाम ने अपनी गलती की जस्टिफिकेशन की बजाय माफी मांग ली तो आदमी वो होगा जिसकी नस्बत आदम के साथ होगी और जो शैतान की रविश इख्तियार करेगा कि अपने गुना पर जस्टिफिकेशन देगा वह फिर शैतान के साथ अपनी नस्बत को जोड़ रहा होगा वो आदम का बच्चा नहीं होगा वो शैतान का बच्चा होगा वहम यालमून और वो जानते हैं इस हाल में कि वो जानते हैं इस बात को कि अल्लाह ही ने माफ़ करना है वो गुनाह करने के बाद उसके ऊपर इसरार नहीं करते उला का जजा उहुम मगफ़िरत उम रबिम वो नेक वक्त लोग हैं जिन के लिए मगफ़िरत है उनके रब की जानब से व जन्नातुल तजरीब इन तहति अनहार और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी ख़ालदीन अफीहा वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश व नजराम और क्या ही अच्छा बदला है अमल करने वालों का यानी अमल किए बग़ैर को बदला नहीं मिलना जुबानी कलामी नारे मारने से कुछ नहीं होना आप देख लें कि मस्जिद में नमाज़ फजर की नमाज के लिए एक सप भी पूरी नहीं होती और मस्जिद के बाहर नारे मारने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा लगा होता है ग़लामी रसूल में मौत भी कबूल है नमाज कबूल नहीं है आप ये जलसे जुलूस भी देख लें चाहे वो रबी अव्वल के जुलूस हों चाहे मुहर्रम के जुलूस हों आप देखें जुलूसों में कितना रश होता है और वो जुलूस जब जोर की नमाज के वक्त कहीं पर ख़त्म हो रहे होते हैं तो आप होना तो चाहिए कि आज तो मस्जिद भरी हुई हो जुम्मे से भी ज़्यादा रश हो मस्जिद में उतने ही लोग होते हैं तो इसका मतलब वो काम ज़रा आसान है ये काम मुश्किल है कद खलत मिन कबली कुम सुन इससे पहले भी कौमों का जो ूज और जवाल है इसके अतबार से अल्लाह का एक तरीक़ार रहा है फसीरुफिलत तो चलो ज़मीन में फन रू और देखो कई फ़कान आक़ीबतुलमकदिबीन अल्लाह तला ने हक झुटलाने वालों का क्या अंजाम किया ज़ाहिर है कि ये अरब के लोग चूँकि तजारती सफर पर जब शाम जाया करते थे तो रास्ते में उन खंडर को देखा करते थे अभी भी वो अरब के कई खंडरत आसार कदीमा के तौर पर कौम आद और समूद की जो तबाही के मनाज़र हैं वो अभी भी मौजूद हैं उनके बड़े हुए बड़े बड़े घर महल्लात जो पहाड़ तराश के वो बनाते थे तो अल्लाह तरफ मारा कि ज़रा ये कौमों की दबाई का मंजर जो है ना तजारत करते हुए रास्ते में देखा करो कि तुमसे पहले जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की जो ताकत में तुमसे ज़्यादा थे अल्लाह ने उनको तबाह वर्बाद कर दिया तो तुम क्या अपने आप को समझते हो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है हादा बयानास बयान है लोगों के लिए वह हुदऊ व ममऊँ एज़तिलमतकीिन और हदायत है और वाज व नसीहत है उन लोगों के लिए जो वाकई डर है कि उन्हें उनकी मर्जी के बग़ैर जिस रब ने पैदा किया है अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो वो फिर छोड़ेगा नहीं यानी ये यह कुरान के बारे में आ रहा है कि कुरान वो बयान है जो सारी इंसानियत के लिए है यहाँ पर मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए हादा बयानदास पूरी इंसानियत के लिए ये कुरान जो है वो बयान है वह हुदऊँ वो और हदायत है वह मऊतुल और वाज वसीत है उन लोगों के लिए जो वाकई डर कि हमें मरने के बाद अपने रब के हजूर पेश होना है ये बड़ी अहम आयत आ रही है आज के एतबार से भी बहुत अहम है सूर्य इमरान की आयत नंबर वन थर्टी नाइन वलाता वला वाताजनू और ना हिम्मत हारो और ना गम खाओ व अलवना इनकुन तुम सौद इनकुन तुम मुबिन तुम ही सर बुलंद रहोगे तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम वाकई मोमिन हुए वैसे तवील ख़ास के अतबार से तो ये मुसलमान जो ताज़ा ताज़ा ज़ख्म खा चुके थे उनको तसली दी गई है कोई नहीं आंदा तुम्हारी फतूहत पक्की है लेकिन तुमने अल्लाह के ताब फरमान बन के रहना है और क्या है कि हिम्मत दिखानी है और गम नहीं खाना और तुम ही गालिब होोगे अगर तुम्हारा ईमान सच्चा हुआ बस इसको आप उलट कर लें हिम्मत नहीं दिखाओगे और बस गम ही खाते रहोगे कि क्या हो रहा है जी यूदियों की साजिश हो रही है मुसलमान खिलाफ तो और क्या यूदी साजिश ना करे यानी आके गले आर पावट साजिश ही कर दी यही काम है ना तो और सच्चे मोमिन भी नहीं है तो फिर जरीलुखार ही हो गए कभी कामयाब नहीं हो गए तीन बातें जिक्र हुई है ना हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत जारी रखनी है गम नहीं खाना अल्लाह पे तोल करते हुए आगे चलना है और ईमान अपना सलामत रखना है तो अल्लाह ताला तुम्हें गलबा देगा और इसके उलट क्या होगा ईमान में कमजोरी आई और तुमने खुद भी हिम्मत दिखाई और बस गामी बैठ के खाते रहे और प्रैक्टिकली कोई काम ना किया तो फिर तबाह बर्बाद भी हो जाओगे जो आज नजर आ रहा है सही मुस्लिम में हदीस है हजरत उमर कहते हैं कि मैंने नबी नबीस्लाम को खुद मेबर पर यह बात फरमाते हुए सुनी थी कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से कौमों को रूज देगा और इस किताब की वजह से कौमों को ज़रील कर देगा इसी को डॉक्टर इकबाल ने सही मुस्लिम की इस हदीस को शेर की शक्ल में कहा है ना जवाब शिकवा में वह ज़माने में मुआजस थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक्र आँ होकर यानी सहाबा को एल बैद को अल्लाह ने जो शानें दी थी कि पूरी दुनिया उन्होंने तलपट कर दी किस वजह से क़ुरान को पकड़ने की वजह से और तुम कुरान को छोड़ कर ख़्वार हो गए और यही बात गदीर खुम की हदीस में भी है सही मुस्लिम में उसमें कुरान का जिक्र आया लेकिन कुरान का जिस शान से जिक्र आया कि कुरान अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है ये अल्लाह की रस्सी है तुम इसे पकड़ो अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो जो अल्लाह की इस रस्सी कुरान को पकड़ेगा वह हदायत पर होगा जो छोड़ देगा वह गुमराह हो जाएगा और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहल बैत हैं मैं अपने अह बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं तो मुसलमानों ने ना कुरान को पकड़ा और ना बैत को ज़िंदा छोड़ा बिल्कुल उलट चले अहल बैत के साथ उसने सलूक का हुक्म था उनके साथ बदसलूक की कुरान को पकड़ने का हुक्म था गुमराई से बचने के लिए इसको अल्लाह की रस्सी के तौर पर वाता सिमू बि हबल्ला जमी अम वा तफर नकू जो इसी सुर आल इमरान की आयत नंबर वन जीरो थ्री गुजर चुकी है बिल्कुल इसके उलट चले तो अब अल्लाह तला देखें अल्लाह तला फरमा मार है कि भाई फिर तो यही कुछ तुम्हारे साथ होना है अगर तुमने मोमिन बन के रहना पक्के फिर अल्लाह की कह मदद होगी ई यम ससुम करहुन अगर आज तुम्हें चोट मिली है फकत मसल कौ कर तो तुम्हारी जो मुखालिफ पार्टी है ये भी तो इस तरह की चोट खा चुके हैं भदर में आज अगर तुम्हें उहद के अंदर तकलीफ पहुंची है तो भदर के अंदर उनके साथ भी यही कुछ हुआ था आज अगर मदीने के कोई घर नहीं बचा जिसमें कोई मैयत ना हो तो उस वक्त मक्के का कोई घर नहीं बचा था जिसके अंदर कोई मैयत ना हो तिलकल नास। ये तो दिन है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं कभी किसी का पलड़ा ऊंचा कभी किसी का पलड़ा ऊंचा सर ये बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कुरान में जो बयान हुआ है यहां पे भी आप देख ले कोई पॉलिटिकल लीडर है कोई डिक्टेटर है वो समझता है कि पता नहीं मैं दुनिया में मुझसे पहले तो कभी कोई इस तरह का इंसान आया नहीं है लेकिन दिन कैसे फिरते हैं आपने तो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस तरह उर्जो जवाल देखे हैं किधर एक हमारा एक डिक्टेटर था किस तरह वो मुक्के लहराता था और आज वो किस तरह मुफलसी की ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजार रहा है और कहता था मैं कमांडो हूँ मैं ये हूँ वो हूँ आज अदालतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है आप पुरानी चीज़ें तकबर से भरी हुई वो तकरीरें देखें और अब वो शकल देखें शक्ल भी बिगड़ गई हुई है ठीक है जी हाथ कांप रहे हैं जिसम काँप रहा है, है। इंसान में ताकत हमेशा तो रहती नहीं है तो इंसान क्या है अल्लाह तरफ मारा है ये याम हम लोगों में बदलते रहते हैं वालिया आ मनु ताकि अल्लाह तला जाँचे कौन है पक्के ईमान वाले वकीद मिन शहदा और अल्लाह तुम में से शहीद चुन ले जो अल्लाह के लिए गवाह बनकर खड़े हों या अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए अपनी जान दे दें वल्ला वा हिब्ब वालिमिन और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता वली सदीन आमनु और इस तरह की जो आजमाइशें होती हैं जंगों की अल्लाह ताला इसके ज़रिए निखार देगा अहल ईमान को व यम हकल और अल्लाह ताली मिटा देगा काफ़िरों को तो यानी अब वो गजब अहद के अंदर जो कुछ नुकसान पहुँचा तो अल्लाह ताली पहले इस एतबार से तसली दे रहे कि इस तरह के नुकसान तुम्हारे मुहालफी को भी हुए हैं ये आजमाइश है अब ये नहीं कि बिल्कुल ही हिम्मत हार के इस एतबार से बैठ जाओ अब अगली आयत चूंकि बहुत अहम है बहुत क्रिटिकल आयत है लिहाजा मैं इन श्ला उसको अगले दर्स के अंदर डिस्कस करूँगा अब हमारे दर्ज का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है अल्लाह ताली से दुआए जो हक बात मैंने कही अल्लाह तारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों ही से उसे माफ कर दे हमें सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फ़रमाए الجزاء